بسم الله الرحمن الرحيم. आज का जो टॉपिक है वो रिसर्च प्रपोजल के बेस पे है, जिसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था प्रॉब्लम डिफिनीशन। प्रॉब्लम डिफिनीशन जब हम करते हैं तो बाद में हम जाकर उस पे हमने रिसर्च प्रपोजल लिखकर होता है। जब हमें प्रॉब्लम डिफाइन होता है, हमें पता होता है कि प्रॉब्लम है क्या, तब जाके हमने उसको सही तरीके से उसको प्रपोज करना होता है। एक दफा अगर हमें प्रॉब्लम की समझ आ गई कि प्रॉब्लम कहाँ पे लाई कर रहा है, तो हमारे लिए उसको स्टडी करना, उसको हैंडल करना, उसको प्रपोज करना कि इसके लिए क्या क्या जरूरत है। द वेरी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट दैट वी मस्ट नो अबाउट द प्रॉब्लम, कि हमें प्रॉब्लम की समझ आ जाए। अगर किसी इदारे में कोई मसला है, अगर वहां पे हमें प्रॉब्लम की समझ आ गई, मसला तो यहाँ है, तो हमें इजीली उसके लिए वो सिनेरियो हम ड्रा कर सकते हैं कि इनके लिए क्या करना चाहिए ताकि हम आगे जाकर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। मेन बात क्या है कि इदारे में प्रॉब्लम की समझ हो। क्या है कि इदारे में प्रॉब्लम की समझ आ जाए। जब हमें प्रॉब्लम की समझ नहीं होता कि प्रॉब्लम आया कहाँ से, फिर हमें मुश्किल होता है कि हमें इसको आइडेंटिफाई करने में, इसको एक्सप्लेन करने में। एक दफा हमें समझ आ गया कि यार प्रॉब्लम तो यहाँ पे लाई कर रहा है, तो फिर हमारे लिए आसानी होगा किस चीज का कि इस प्रॉब्लम को किस तरह से एलोकेट किया जाए। सही है, मिसाल के तौर पर एक इदारे में एम्प्लॉय की टर्नओवर ज्यादा है, एम्प्लॉइज जा रहे हैं मतलब एम्प्लॉइज लीव कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि रीजंस क्या है, कौन सी वजह हो सकता है। जब हमने मालूमात कर लिया, हमें पता लग गया कि यार प्रॉब्लम कहेगा, प्रॉब्लम को स्टडी किया कि किस तरह स्टडी किया, औरों के रिसर्चर्स से, औरों की स्टडीज से, और के इदारे को देख कर, औरों की काम को देखकर हमें एक अंदाजा होगा कि हाँ यह प्रॉब्लम तो इन वजूहात से भी हो सकता है। तो फिर हमने जाकर अपने इदारे में उन पॉइंट्स को लिया जो वजूहात की बुनियाद पर हमने अज्यूम किया था, अजम्पशन किया था कि इसके लिए हो सकता है। अगर एम्प्लॉय टर्नओवर ज्यादा है, एम्प्लॉय लीव कर रहा है, तो मसला ये हो सकता है, उसके पैकेज सही नहीं है, अकोमोडेशन सही नहीं है, या उसके रिलैक्स या उसके जो वर्कलोड ज्यादा है, या उसकी टाइम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, टाइम मतलब कुछ मसला तो है। तो हमने ये मतलब दूसरे रिसर्चर से ये आइडिया लिया कि ये हो सकता है। तो तब जाके हमने क्या किया, हमें पता लग गया कि प्रॉब्लम यहां से भी हो सकता है। तो जब पता लगता है कि प्रॉब्लम कहां से हो सकता है, तो उसके लिए हमने प्रपोज स्टडी करना, हमने प्रपोजल देना। प्रपोजल का मतलब क्या है, पेशकश देना कि ये काम किस तरह हो सकता है। सही है, प्रपोजल देना। मिसाल के तौर पर प्रॉब्लम अराइज हुआ, सही है, आप अपने प्रपोजल में कहते हैं कि ये प्रॉब्लम की वजूहात ये है। आप प्रपोजल में लिखते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जो ऑकर हुआ है, ये इन्हीं वजूहात की बुनियाद पे हो सकता है। आप 100% श्योरिटी नहीं देते, आप अजम्पशन की बुनियाद पे, अज्यूम की बुनियाद पे, आप अपने राय के मुताबिक ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि ये वजूहात हो, ये प्रॉब्लम ऑकर हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर एम्प्लॉयज की टर्नओवर ज्यादा है, वो जा रहे हैं, आप कहते हैं कि इन्हीं वजूहात की वजह से ये हो सकता है। जब आपको पता लगे कि आपको ये प्रपोज करते हो, तो बंदा जब पढ़ता है तो उसको एक एनालाइज होता है कि हाँ, देखता है कि हाँ ये प्रपोजल आपका एक ऐसा है कि जब आप किसी के लिए चले जाते हो, तो या किसी इदारे के लिए चले जाते हो, तो आप प्रपोजल ऐसा लेते हैं कम्युनिकेशन की टूल्स की तरह है, आपके दरमियान और हमारे दरमियान जो बातचीत होता है वो प्रपोजल में रिटन फॉर्म में मौजूद है। अगर आप नहीं है मेरे सामने, तो आपका प्रपोजल
मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहा है। आपका प्रपोजल जो मेरे सामने पड़ा हुआ है, आपने कुछ प्रपोज किया है, कुछ तजवीजें कुछ आपने किया कि मैं इसको इस तरह टैकल कर सकता हूं, आपने यकीन दिहाड़ी भी दिया है कि यार हो सकता है ये हो। तो जब आपका ये प्रपोजल और आपको मेरे दरमियान जो होता है ये कम्युनिकेशन करता है, कम्युनिकेशन किस चीज का, जो आपने प्रपोज किया लिखा हुआ है रिटर्न फॉर्म पे, मैं पढ़ता हूँ और अपने आप को अपने इदारे को देखता हूँ क्या ये इंफॉर्मेशन एनफ है, क्या ये मालूमात जिस इसने प्रोवाइड किया हुआ है, जिस इसने लिखा हुआ है, ये एनफ है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तब जाके अगर मैं सेटिस्फाई हुआ तो आपको भी क्या कहूंगा कि चलो सही है रिसर्च स्टार्ट लो। सही अगर मुझे कन्विंस नहीं हुआ और आपकी काम से कन्विंस नहीं हुआ तो मैं एक कहूंगा रिजेक्ट, या आपका काम एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। प्रपोजल तो वही होता है ना, अगर प्रपोजल मेरे मुताबिक हो, अगर मेरी पसंद के मुताबिक हो तो एक्सेप्ट होता है, अगर नहीं तो रिजेक्ट होता है। क्लियर है? ये प्रपोजल आप दुनिया भर में आप किसी भी अंदाज से दे सकते हैं, काम के लिहाज से, घर के लिहाज से, आप देखते हैं उसमें हर चीज। प्रपोजल जब आता है तो हम भी उनमें से क्वालिटीज को देखते हैं, उनकी क्वालिटीज को देखते हैं और अपने मायार को देखते हुए उसको पेश करते हैं। वो मायार और क्वालिटी जब पेश कर ले तब आप कहेंगे यस, अगर आपकी जो मायार है, आपकी जो स्टैंडर्ड है, उस प्रपोजल का स्टैंडर्ड उतना नहीं है तो जाहिर बात है आप क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। डेफिनेटली यू विल गो फॉर rejection rather than to accept it. Is that clear? Yes, sir. यहाँ से तो कोई problem नहीं है। No, sir. ये जो मैंने आपको ये भी बताया, ये सारे यही लिखे हुए हैं। यहाँ तक लेकर मेरी यही बात लिखी है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक यही सारे बातें क्या है। पहला देखो, research proposal is a written statement. ये हमेशा written statement में होता है, oral statement में कोई चीज नहीं होता। प्रपोजल हमेशा जब रिसर्च प्रपोजल होता है वो किस चीज में होता है, रिटन स्टेटमेंट पे होता है, जो हमारे पास अमूमन 15 से 20 पेजेस तक होते हैं। सही, तो इट ऑलवेज इंक्लूड्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ पर्पस ऑफ द स्टडी एंड डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि ये पर्पस ऑफ स्टडी पे मेंशन होता है कि आप ये पर्पस, ये स्टडी क्यों करना चाहते हैं, आप उस प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हो, ये मसला है जिसको मैं सॉर्ट आउट कर सकूंगा। आप पेशी क्यों करते हो, तजवीज देते हो कि ऐसे ऐसे करूंगा इसे, इस प्रॉब्लम को मैं ये चीजों में, ये टेक्निक्स, ये मेथोडोलॉजी में यूज करूंगा इस प्रॉब्लम के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए मैं ये रिसर्च डिजाइन यूज करूंगा। रिसर्च डिजाइन होता क्या है, जो आप क्या करते हैं, आप जो जिस तरीके से कौन सी डिजाइन आपने यूज किया ताकि आप लोगों से आपने डेटा कलेक्ट कर दिया, आपने इंटरव्यू किया, ऑब्जर्वेशन किया या क्वेश्चन या डिस्ट्रीब्यूट किया, दैट इज द रिसर्च डिजाइन। हमने क्या किया तो जब तब जाके हम मालूम, हमें पता चल जाता है। देखो ये प्रपोजल पे सारे पॉइंट्स मेंशन होते हैं, यहां पर मेरे पास 7 पॉइंट्स है। ये 7 पॉइंट्स जब एक रिपोर्ट में होता है, एक प्रपोजल में होता है, तो वो बंदा देख कर उसे समझ आ जाता है कि यार ये बंदे ने क्या लिखा है और ये किस मकसद का है। पहले पॉइंट क्या है, प्रॉब्लम डिफिनेशन। सही है, प्रॉब्लम डिफिनेशन में क्या कह रहा है कि आपका प्रपोजल का मकसद क्या है, क्या है यहां पे हमने जिक्र करना क्या है। प्रॉब्लम डिफिनेशन, जब हम प्रॉब्लम डिफिनेशन लिखते हैं किसी के लिए, अगर प्रॉब्लम के बारे में आपको पता है, प्रॉब्लम आया, आपने प्रॉब्लम को स्टडी किया, याद रखो कि प्रपोजल आप तब तक नहीं लिख सकोगे जब तक तुम स्टडी ना कर लो। जब तुम्हारे पास नॉलेज ज्यादा हो जाता है और अकम्युलेशन ऑफ नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आप समझते हो कि नाउ आई एम एलिजिबल टू राइट अ प्रपोजल, ये कब होता है, जब आपके पास एक प्रॉब्लम आता है उसके रिलेटेड आप बहुत ज्यादा स्टडी करते हो, बहुत ज्यादा देखते हो,
तब जाके आप में एक सेंस नजर आ जाता है कि यार आपने डिफाइन करना होता है कि प्रॉब्लम असल में आया कहां से। एक वहां पे आप जहां पर आपने कहे कि आपने प्रॉब्लम को डिफाइन करना प्लस उसको पर्पस बताना, यहां पे आपने करना क्या है कि पर्पस ऑफ स्टडी बताना है। प्रॉब्लम डिफिनेशन में करना क्या है कि आपने यहां पे प्रॉब्लम ऑफ पर्पस ऑफ योर स्टडी बताना है। स्टडी करने का मकसद ही क्या है, क्यों करना चाहते हो ये स्टडी, आप क्या फाइंडिंग करना चाहते हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं इंप्लॉइज के टर्नओवर का टर्नओवर ज्यादा है और जा रहा है तो मेरा मकसद क्या होगा, टू आइडेंटिफाई द रीजंस ऑफ इंप्लॉय टर्नओवर। कौन कौन सी रीजंस है जो इंप्लॉय टर्नओवर होते हैं, मेरा मकसद यही होता है ना। yes, sir. मैं आइडेंटिफिकेशन कर लूं कि क्या कॉज इफेक्ट हो सकता है, क्या कॉजेस हो सकते हैं। अगर ये इफेक्ट आया है इंप्लॉय टर्नओवर ज्यादा है तो कॉज क्या है, तो कॉज को तो पता लगाना होता है ना। उस कॉज का पता लगाने के लिए तब जाके हमें स्टडी करना होता है। जितने ज्यादा हम रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे, जितने ज्यादा और लोगों के पेपर्स पढ़ेंगे, जितने ज्यादा और लोगों की रिसर्चेस पढ़ेंगे, उतने ज्यादा हमें क्या होगा, अवेयरनेस आएगा। अवेयरनेस की चीज का अवेयरनेस आएगा अबाउट द स्पेसिफिक प्रॉब्लम, यानी इसको हमें किस तरह टैकल करना है। तो क्या है, तो फिर एक तो पर्पस देखना होता है, प्लस हमने एक ये भी देखना होता है, ये डेफिनेशन भी ये बात ही करते होते हैं कि हमने ये वहां पे मेंशन ही करना होता है कि इसके ऊपर डेटा अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि इसी ऊपर अभी तक किसी ने काम नहीं किया, अगर किसी और ने काम किया है तो आपने उसकी हवाला देना होता है। तो आप कहते हैं कि यार इससे पहले और लोगों ने काम किया है, वो उन लोगों ने ये वेरिएबल्स लिए थे, ये डायमेंशन लिए थे, तो मैंने ये लिया, उन लोगों की फाइंडिंग आपको मदद देगा डिसीजन मेकिंग में। आप इजीली कहेंगे कि हाँ, इस जब आप ग्राफ को देखेंगे, जब आप उसके ग्राफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंसी को देखेंगे तो आप इजीली कहेंगे कि हाँ इस चीज का इसमें रिलेशनशिप है या नहीं है। तो पहले आपने देखना होगा कि इसके ऊपर और लोगों ने डेटा रिसर्च किया हुआ है या नहीं, क्या इसके ऊपर ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है या नहीं, क्या यहाँ पे रिसर्च करने करना लास्ट मतलब हो सकता है, रिसर्च करने हम कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम आप जब आप प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे ना, तो ये चीज आपने ध्यान में रखना होगा कि इसपे ऊपर कभी रिसर्च हुआ है, अगर हुआ है तो कौन कौन से, आपने उसको मेंशन करना होगा कि फलाना फलाना बंदे ने फलाना जगह पर ये रिसर्च किया था और उसका ये रिजल्ट है। फलाना फला बंदे ने जिनका आपके पास ऑलरेडी रिसर्च पेपर्स है, वो आप इजीली उसके साथ उसकी रेफरेंस आप दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिलेक्शन ऑफ बेसिक रिसर्च डिजाइन। अभी बेसिक रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या है, आपने आप ये भी मेंशन करेंगे कि आपका रिसर्च डिजाइन मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन कैसा होगा, आप लोगों से डेटा किस चीज पे बेस पे कलेक्ट करेंगे, आप जाके इंटरव्यू करेंगे या उससे क्वेश्चनेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या ऑब्जर्वेशन करेंगे। आपने यहाँ पे बताना होगा कि व्हाट इज द टाइप ऑफ योर रिसर्च डिजाइन, कौन सी रिसर्च डिजाइन आपने फॉलो करना है, आप क्या करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे मेंशन करना होता है। नेक्स्ट क्या है, सिलेक्शन ऑफ सैंपल। देखो अगर मैंने रिसर्च करना है, मिसाल के तौर पर अगर मैं रिसर्च करना चाहता हूं तो आपने सैंपल साइज आपने बताना होगा। ये सैंपल क्या है, देखो एम्प्लॉइज टर्नओवर ज्यादा है किस मिसाल के तौर पर पीटीसीएल की या पीटीसीएल या टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर या मैं कहता हूं टेलीलॉर के, टेलीलॉर के इदारे में क्या है, एम्प्लॉय टर्नओवर ज्यादा है। अभी एम्प्लॉय टर्नओवर जो है ज्यादा है तो मेरा ये पॉपुलेशन क्या है, मेरा जो पॉपुलेशन है वो सारी एम्प्लॉइज है, सारी वर्कर जितने भी है ना मेरा वो है, और वही मेरे सैंपल भी है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा पॉपुलेशन टेलीलॉर है, टेलीलॉर जो है वो एक बड़ा एक ह्यूज
लेटरों के। तो ये मेरा पॉपुलेशन है, इनमें से जो लोगों को मैं इंतखाब करूंगा एक चंद लोगों को, वो मेरा क्या होगा सैंपल बन जाएगा, वो मेरा क्या होगा सैंपल साइज। अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें उसको हम कहते हैं यूनिट ऑफ एनालिसिस। हम क्या कहते हैं उसे, यूनिट ऑफ एनालिसिस। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है, तो आप सिंपली बताएं कि उसका मतलब यही होता है कि आपने किस एरिया में रिसर्च कि लोगों को आपने सैंपल एज सैंपल कलेक्ट एज सैंपल लिया हुआ है। क्लियर है? तो डेटा गैदरिंग, डेटा गैदरिंग आपने किस तरह करना होता है, थ्रू क्वेश्चनियर, सही जो ऑब्जर्वेशन डेटा गैदरिंग ले की किसमें डिफरेंस है दोनों डिजाइन और डेटा गैदरिंग। तो डिजाइन में आपने क्वेश्चन बताने होते हैं कि किस किस्म की क्वेश्चंस, डिजाइन में आपने क्वेश्चन बताने होते हैं कि क्या ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस है या अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस है, या ओपन क्वेश्चंस है, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस है, यस नो क्वेश्चंस है, या कोई भी टाइप किस तरह भी जॉब दे सकता है, या वो आप उसे यस नो पर जॉब मतलब आप उस सवाल करते हैं वो बंदा यस या नो में देगा, या वो लिंक्ड स्केल पे होगा एग्री डिसएग्री स्ट्रॉन्गली एग्री स्ट्रॉन्गली डिसएग्री इस तरह होगा। ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, तो आपने बताना होता है कि यार किस किस्म की क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं, सही है? दैट इज अगर आप इंटरव्यू करते हैं तो आप इंटरव्यू में किस तरह क्वेश्चंस करना चाहते हैं, सही? तो दैट शुड बी हैव टू क्लियर दैट आप मुझे बताना होगा, सही? लेकिन डेटा गैदर में आपने क्या होगा वो इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो क्या आपने इसे अडॉप्ट किया है या खुद बनाया है। तो जाहिर बात है हम कहते हैं कि यार हमने ये कोई इंस्ट्रूमेंट हमने अडॉप्ट किया है, इसे अडॉप्ट किया है किसी और रिसर्च से, अपने रिसर्च में यूज किया। अगर ऐसा है, अगर आपकी सिचुएशन उसके सिचुएशन से कुछ सिमिलरिटी है तो आप उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ रिपोर्ट, सॉरी डेटा एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। अभी आपने डेटा एनालिसिस भी करना होता है तो आपने बताना ही है कि मैंने डेटा एनालिसिस किस तरह करना है। देखो आप ये प्रपोज करते हो कि अगर मैंने क्वेश्चनियर के थ्रू पे डेटा गैदर कर लिया तो मेरा डेटा एनालिसिस ये होगा। मिसाल के तौर पर डेटा एनालिसिस क्या है कि मैं ये टेबल्स बनाऊंगा, सही है? उसको हम कहते हैं रिग्रेशन एनालिसिस, हम कहते हैं कोरिलेशन एनालिसिस कहते हैं, सही है? ये चीजें हम बनाते हैं, रिग्रेशन करते हैं, कोरिलेशन चीजें, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीजें जो है ना ये हमारे ये एनालिसिस है। ये क्या है, एनालिसिस है, तो एनालिसिस भी है तब जाकर उसको हम इवैल्यूएट भी करते हैं। टाइप ऑफ रिपोर्ट, टाइप ऑफ रिपोर्ट क्या है, टाइप ऑफ रिपोर्ट कि आप रिपोर्ट किसको देना चाहते हैं, ये आपकी जो रिसर्च है ये कौन रीड करेगा, आप ये तजवीज जो है ये किसको पेश करते हो, मैनेजर को, जिस बंदे ने रिक्वेस्ट किया हुआ है उसको, किसको आप ये रिक्वेस्ट, किसको आप ये रिसर्च प्रपोज करते हो। लास्ट क्या है, ओवरऑल इवॉल्वेशन, क्या है ओवरऑल इवॉल्वेशन। देखो ओवरऑल इवोल्यूशन पे हमने बताना ये होता है कि इसके ऊपर कॉस्ट, कॉस्ट कितना आया, इसका टाइम कितना होगा, आप आउटसाइड है तो नहीं गए थे, कॉस्ट कितना आया, हाँ उसके कितने टाइम फ्रेम में ये काम हो जाएगा, ये आप उसको प्रपोज करते हो ना कि ये काम मैं कितने टाइम फ्रेम में कर दूंगा। आउटसाइड हेल्प या कोई एक्सटर्नल लोग से आप कोई हेल्प चाहते हैं या उससे कोई है जो आप उससे हेल्प लेते हो, तो आपने ये बताना प्रपोज करना होता है। सही है? जी सर। आपने ये भी मेंशन करना होता है कि क्या आपकी ये रिसर्च मेरे ऑब्जेक्टिव को पूरा करेगा या नहीं,
Well, this research attend the objective of the research. While this research attend the objective of research, with as well आपने ये भी बताया है कि ये कब स्टार्ट होगा, बिगेन कब होगा। यस सर। तो आपने ये सारी चीजें बनाने होते हैं, तब जाके वो लोग आपको कहेंगे या गो फॉर इट। वो कॉस्ट को देखेंगे, टाइम को देखेंगे और आप कब स्टार्ट करेंगे उसको भी देखेंगे। जी सर। देन दे विल टेक अ डिसीजन whether that should be negative or positive. Positive. So that's all for today. Aaj hamari